अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा अगर स्नैपचैट एक टूट जाए तो दोबारा रिकवर कैसे करनी है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्नैपचैट ओपन कर ले, तो ये सबसे ऊपर जो बंदी है इसके साथ स्नैपचैट मेरी टूट गई है, ये हमने रिकवर करनी है। तो प्रोफाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लास्ट पर जाएंगे तो हमें ये ऑप्शन शो होगा नीड हेल्प, इस पर क्लिक करनी है। उसके बाद आएगा लास्ट में स्नैपचैट स्नैपस्ट्रीक, क्लिक करेंगे तो ये आपको शो होगा लास्ट में स्नैपस्ट्रीक। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे फिर आएगा स्पोर्ट साइट, इसे आपने क्लिक करनी है तो आपके पास ऐसे कुछ नज़र आएगा। तो लास्ट पर ये फॉर्म आएगा तो फिल करना है, तो फिल ऐसे करना है, पहले यूज़र नेम पे अपना नाम लिखना स्नैपचैट्रीक का, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस देना है, उसके बाद ये जैसे मुकम्मल होगा ना ईमेल एड्रेस, नीचे अपना नंबर देना है जो स्नैपचैट में हमने दिया हुआ लिखा हुआ, तो वो उस नंबर दिया। नंबर ऐड करने के बाद हमसे वो डिवाइस पूछेंगे, तो डिवाइस मैं आईफोन 11 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आईफोन 11 लिखूँगा, ये मैं लिख लिया। तो उसके बाद ये मैं अपने फ्रेंड का जो पूरा नेम है जो लिखा होता है आईडी के नीचे वो लिखा है। तो ये बोल रहे हैं ये कब से ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरा आज से ही हो रहा था, तो मैं आज का डेट लिख दिया और डेट सेम ऐसे ही आपने लिखनी है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं तकरीबन कितने दिन की थी, वो मैं लिख रही मुझे जितनी याद थी। नीचे आपको ये ऑप्शन होगा, नीचे ये पूछ रहे हैं क्या आपको ये टाइम क्लॉक नज़र आ रहा, मुझे नहीं था आ रहा तो मैं नो सेलेक्ट किया, रहा तो नो कर देना। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, डिस्क्रिप्शन सेम आपने ऐसे देनी है जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ। तो ये लिखने के बाद आपने सबमिट करनी है, इससे पहले ये कैप्चा नज़र आएगा, आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ नज़र आएगा, तो ये जो भी आप खुद कर लेंगे। उसके बाद सबमिट हो जाएगी रिक्वेस्ट, उसके बाद आपको ये सक्सेस शो होगा। उसके बाद आपने बैक चले जाना, फुल बैक बिल्कुल, जो भी आप ये आपने ओपन किए सब कुछ बैक कर देना। दोबारा से आप स्नैपचैट ओपन करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि सबसे ऊपर जितनी मेरी स्ट्रीक बनी थी वो बिल्कुल वापस आ गई।